subscribe and press the bell icon for latest update. स्वच्छ छवि की रूपानी का जन्म 2 अगस्त 1956 को 2 अगस्त 1956 को बर्मा की रंगून में जन्म हुआ। उन्होंने बीए एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रूपानी सौराष्ट्र क्षेत्र से आते हैं, जहां जैन बनिया समुदाय काफी बड़ी संख्या में है। छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत। राजकोट पश्चिम से विधायक विजय रूपानी 1971 में जनसंघ के सदस्य बने तथा इसी समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ गए। उन्होंने राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। वे गुजरात के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जो आपातकाल के दौरान जेल गए। रूपानी राज्यसभा सांसद के साथ पार्टी महासचिव भी रह चुके हैं। युवाओं में लोकप्रिय रूपानी के बारे में कहा जाता है कि वे गुजरात की राजनीति को बाखूबी समझते हैं। वे राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रह चुके हैं, साथ युवाओं में काफी लोकप्रिय है। 60 वर्ष के रूपानी को केशुभाई पटेल के जमाने में पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। विजय रूपानी को कुशल चुनाव प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में सौराष्ट्र कच्छ इलाके में उन्होंने पूरी कुशलता से चुनाव का संचालन किया था, जहां भारी मतों से बीजेपी की जीत हुई थी। रूपानी दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री को तो बन गए, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती गुजरात के लोगों, खासकर युवाओं का विश्वास जीतना होगा, जो कि इस चुनाव में नजर नहीं आया। पिछली बार 115 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 99 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि पार्टी ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।